तो दोस्तों आज है हमारा तीसरा दिन और तीसरे दिन में हम जा रहे हैं महाराष्ट्र, जहाँ से मतलब जहाँ हमारा जो हम गांव में जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से 70 किलोमीटर लगभग दूर है महाराष्ट्र। और वहाँ पर हम जा रहे हैं मालवन बीच। मालवन बीच पर हमने बहुत सारी स्पोर्ट्स राइड करी हैं, जैसा पैरासेलिंग, वाटर राइड, बनाना राइड और भी कितनी सारी राइड्स मैंने की हैं। और आज हम इंजॉय करने वाले हैं, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। इस वक्त हम ये मालवन बीच है महाराष्ट्र में, हम जहाँ पे गोवा में रुके हैं वो वहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाथ अंदर कर लो। Oh.
इधर पार्टी हो रही है। ये हम हैं और ये हमारी बोटर, इधर हमारी और भैया बढ़िया, भैया तो नाराज हो रहे हैं। अभी 10 लोगों को बैठने का लग रहा है। अभी हम चलते हैं स्कूबा डाइविंग की स्कूबा डाइविंग में जा रहे हैं हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा लगा है, हमारी वीडियो बनेगी। मुंह से सांस लेनी है वो तो रह ली बहुत देर तक दूसरी वाली। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर अंडर वाटर, मतलब स्कूबा डाइविंग में यहाँ पर कर रहा था। और जब मैंने स्कूबा डाइविंग का मतलब गॉगल्स लगाए, मैंने मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह मैंने लगाया, और जब वो मेरे को अंदर डीप वाटर लेके जा रहा था, तो मतलब मेरे को एक बार को तो घबराहट हो गई थी। मैंने कहा भाई मेरे को ऊपर लेके जाओ, तो मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन ये था कि एक कुछ नया एक्सपीरियंस किया है, वो मेरे को एक यादगार रहा जिसको मैं हमेशा याद रखने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मालवान बीच में आकर। ये हमारा पूरा पैकेज था, 3,000 लगभग 3,500 रुपये का हमारा पूरा पैकेज था, जिसके अंदर आना जाना और खाना और वहाँ पर स्पोर्ट्स राइड थी। 3,350 का हमारा पूरा पैकेज था। ये जहाँ पर हम रह रहे थे हमने वहीं से ही ये पैकेज लिया था, तो वो हमें हमारे जहाँ पर हम रह रहे थे अंजुना बीच के आसपास हमारा जो होटल था वहाँ पर, और यहाँ से 70 किलोमीटर मतलब लगभग, क्योंकि महाराष्ट्र पड़ जाता है 70 किलोमीटर क्रॉस करके, महाराष्ट्र में मालवान बीच काफ़ी मतलब बड़ा बीच था। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर अंडर वाटर, मतलब स्कूबा डाइविंग में यहाँ पर कर रहा था। और जब मैंने स्कूबा डाइविंग का मतलब गॉगल्स लगाए, मैंने मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह मैंने लगाया, और जब वो मेरे को अंदर डीप वाटर लेके जा रहा था, तो मतलब मेरे को एक बार को तो घबराहट हो गई थी। मैंने कहा भाई मेरे को ऊपर लेके जाओ, तो मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन ये था कि एक कुछ नया एक्सपीरियंस किया है। डीप में हम गए, आप देख सकते हो भाई वीडियो के अंदर छोटी छोटी जो फिश थी किस तरह से फिर रही हमारे आगे पीछे, तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज का हमारा।
से। गाइस आज हम करने जा रहे हैं किस चीज का, जो मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं आपको एक्सपीरियंस जरूर बताऊंगा कैसा है। और इसके बाद फिर मैंने मतलब इंजॉय किया काफ़ी चीज़ें। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये था पूरा फिश स्पा था। ये फिश स्पा में ये था कि मतलब यहाँ पर मैं बहुत मजे इंजॉय कर रहा था। मतलब जब मैंने फिश स्पा के अंदर मतलब पैर डाला पूरा वाटर के अंदर, मेरे पास छोटी छोटी मछलियाँ जो थी वो मतलब मेरे पैर पे चिपट गई। एक मतलब एक अलग ही फील आ रहा था कि वो मतलब गुदगुदी टाइप की मेरे हो रही थी पूरे शरीर के अंदर। लेकिन जो एक्सपीरियंस था फिश स्पा का वो बहुत अच्छा था। बहुत फील मतलब एक रिलीफ जो था मेरे पैरों को, जो मतलब मेरी पैर की जो थकान थी वो मतलब मेरे को कहीं ना कहीं थकान दूर मतलब मेरे को नजर आई है। ये देखो चुपकी पड़ी है बिल्कुल। ये देखो इधर देख के बताओ कैसा लग रहा है। ये सब अगर तुम गोवा में आ रहे हो ना, गोवा में आने का प्लान कर रहे हो, ये सब नहीं कर किया तो यार कुछ भी नहीं है गोवा के अंदर। क्योंकि दारू वारों को हमें शौक नहीं है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे दारू वगैरह ये सब इसकी रम वगैरह ये सब करने आते हैं, लेकिन वो हमें शौक नहीं है। तो हमने स्कूबा डाइविंग वगैरह ये सब पूरा देखो 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 प्लीज़ यार ये सब यही सब करो यार यहाँ के, बाकी और सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। कैसा फील हो रहा है इस टाइम? लग रहा है कि मुझे कुछ काटने आ रहा है, बस नीचे से शुरुआत कर रहा है काटने की भाई। अल्टीमेट ये खतरनाक एक्सपीरियंस है लाइफ का। मतलब एक डर सा भी लग रहा है कि भाई कहीं की बटन ना काट ना ले, लेकिन ये सिर्फ चिपक रही है हल्की हल्की भाई। इन सब का एक्सपीरियंस करो इस बार। वो मैं अगर जो प्लान कर रहे हो आने का, ये मैं आपको बताऊँ ये कहाँ पर है, ये कौन सा बीच है हमारा, ये हमारा मालवान बीच। यहाँ पर आपको सब राइड मिल जाएंगी जितनी भी राइड हैं। आप बाहर देख सकते हैं बीच बहुत सारी राइड्स वगैरह हैं यहाँ पर। और देखो बहुत सारी राइड्स हैं, सारी कर सकते हो। जो मैं अभी कर रहा हूँ ये फिश स्पा है। और आंटी से एक बार इसका आंटी का चार्ज बताओ इसको प्लीज़। 100 रुपीज़ चार्ज है इसका, मतलब 15 से 20 मिनट 100 रुपीज़ चार्ज है। कोई ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं है, कोई भी नॉर्मल बंदा कर सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अभी मैं फील बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं छोटी छोटी सारी चिपक चुकी हैं। गाइस अभी हम इधर लंच करने के लिए आए हैं, क्योंकि लंच भी इसमें पूरा पैकेज में था हमारा, ब्रेकफास्ट और लंच। देखते हैं हालत तो बहुत डाउन हो गई क्योंकि स्पोर्ट्स राइड करते करते। भाई सबसे अच्छी राइड कौन सी लगी आपको? अपना यही स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग हाँ अच्छी थी वो वाली, अच्छी थी। और स्कूबा भी अच्छी थी, मैं थोड़ा डर गई थी, वो सबसे अच्छी लगी। डर गई थी थोड़ा। स्कूबा अच्छी, स्कूबा और पैरासेलिंग। आप बताओ कौन सी अच्छी लगी? बहुत सारी राइड्स अच्छी थी ऐसे तो, हाँ लेकिन एक बेस्ट कुछ बेस्ट अगर देखी जाए तो स्कूबा ही सबसे अच्छी लगी है। स्कूबा फर्स्ट टाइम था लेकिन बहुत मजा आया। मैं डीप में गया था, डीप में पूरा मैंने देखा। गाइस आपने देखा कि सब ने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बाद में। आप कहां से किस तरह से आप यहां पर आ सकते हो, किससे कांटेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे कांटेक्ट डाल दूंगा, आप इजीली से वहां से ले सकते हो। तो अभी हम लंच की ओर चलते हैं, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खाना कैसा लगा? खाना अच्छा है, बांगड़ा फिश अच्छा है। बांगड़ा फिश अच्छा है, बांगड़ा फिश कैसा लगा? बांगड़ा 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 हमारे यहाँ बांगड़ा हमारे यहाँ बांगड़ा इसको कहते हैं बांगड़ा।
आई होप अगर आप प्लान कर रहे हो भाई गोवा में आने का तो भाई स्पोर्ट्स राइड को मिस मत करना, क्योंकि विदाउट स्पोर्ट्स राइड गोवा में कुछ नहीं है। क्योंकि भाई हम अल्कोहल के तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते, अल्कोहल वालों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है ये पैलेस, लेकिन हमारे लिए स्पोर्ट्स राइड के, अगर स्पोर्ट्स राइड ना हो बीच पे तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है गोवा में आने का। मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ यहाँ पर, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। गोवा में आ रहे हो तो भाई एक बार स्पोर्ट्स राइड जरूर चेक कर लेना, मतलब जरूर ट्राई कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।